आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया, जो जनता की मांग थी और जो बिहार और देश की जो जरूरत थी, वो निर्णय लिया, ऐसा निर्णय लिया जो निडर निर्णय था, और हम लोगों ने जो साथ दिया, हम इतना कह सकते हैं कि मजबूती के साथ मिलकर के हम लोग सरकार चलाएंगे, जहां बिहार के लोगों को एक नए रास्ते पे, तरक्की के रास्ते पे, ऊंचाइयों पर लेके जाने का काम, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के, जल्दी एक महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ हो। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में नई सरकार बन गई है, तेज रफ्तार के साथ है। बिहार में विकास वाली सरकार की बात हो रही है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अब सवाल ऐसे में है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान जो तेजस्वी बिहार की जनता से वादा कर रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनी तो 10 लाख युवाओं को रोजगार कैबिनेट की पहली बैठक में मिलेगा, उसके लिए वो कलम चलाएंगे कैबिनेट की पहली बैठक में, तो क्या अब रोजगार मिलेगा? क्योंकि तेजस्वी तो डिप्टी सीएम बन गए हैं, लेकिन तेजस्वी ने ऐलान किया है कि वो रोजगार देंगे, इतनी रोजगार देंगे जो आज तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं दिया होगा। तेजस्वी बिहार में युवाओं के लिए उतना विकास कार्य करेंगे। सुनवाते हैं पहले तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। ये सरकार जो है गरीबों की सरकार है, और पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में खुशी का लहर है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया, जो जनता की मांग थी और जो बिहार और देश की जो जरूरत थी, वो निर्णय लिया, ऐसा निर्णय लिया जो निडर निर्णय था, और हम लोगों ने जो साथ दिया, वो हम इतना कह सकते हैं कि मजबूती के साथ मिलकर के हम लोग सरकार चलाएंगे, जहां बिहार के लोगों को एक नए रास्ते पे, तरक्की के रास्ते पे, ऊंचाइयों पर लेके जाने का काम करेंगे, ऊंचाइयों पर लेके जाने का काम करेंगे। जो माहौल मुल्क में था, बिहार में था, जो सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव भाजपा के लोग फैला रहे थे, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी को, पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करने का जो प्रयास था, समाजवादी राजनीति को जो ये लोग खत्म करने का जो प्रयास कर रहे थे, क्षेत्रीय दलों को जो ये समाप्त करना चाह रहे थे, आज देख लीजिए बिहार में वो कर दिखाया जो देश को करना है, और एक दिशा दिखाई है। और हमारी चर्चा, क्योंकि हमारी तो लड़ाई ही बेरोजगारी को लेकर के रही है, सदन से लेकर के आप सड़क तक देख लीजिए, हम लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय रहा, उससे हम लोगों को एक मौका मिला कि अब जनता के प्रति, नौजवानों के प्रति जो दुख दर्द है, उसको दूर किया जाए। हमारी मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के, जल्दी एक महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे। तेजस्वी ने साफ साफ कहा है रोजगार के मुद्दे पर कि नौकरियां इतनी मिलेगी जो किसी ने सोचा नहीं होगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैसा कुछ किया नहीं होगा जो हम बिहार के युवाओं के लिए करेंगे। ऐसे में आरजेडी वाले कह रहे हैं तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार आई है तो बिहार में अब विकास की बहार आएगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।